काका कोला एक लंबरी ही मालस मार दे अरे बेटे मालस मालस करवाओगा होगा मालस मालस मार दे का कठिन नहीं ना अच्छा हाँ अरे बेटे एक बार खड़ा हुई है रे अरे बेटे याद है तुम मैथुन चक्रवर्ती आली पॉइंट पर यार से अरे ये जूते पर यार से अनिल कपूर आली बेटे भाई तन्ना देख के थे मन मेरी जवानी याद आ गई या पॉइंटर या जूते पैर का मरे साले का अनिल कपूर की ढळा चाल्या करता अर नुळा क्रिया करता डान्स आय एम अ डिस्को डांसर ओम मिथुन सड़क सड़क तो सुखा बिना करता लगा करता मिथुन बकाने लगरा अर बेटे लोग आई देख कनु क्या का करते हाय के सुथरा गोविंदा रया आता आता छोड़ देगो बिंदाल मेरी माला से मार दे अच्छा रे आ जाते बेटे यह दुकान कित कर लेगा कुर्डिया पे सारा कपाड़ खंड अरे बेटे बड़ा ही रह गया अरे ये कुर्डी कोन्या यो तो गांव का चांदनी चौक से चांदनी चौक गुरिया पर रंजा कर बाकी क्यों बड़क ले रहा अरे सरपंच ने करिया था इस दुकान का समझा अरेब सरपंच आ गया अपने घर का बेटे देखिए और ट्रांसफार्मर लाग रिया और मेरे साले का सीधा तार और एक मेरे साले का इतना बड्डा लिया छन्न में छन में छन्न गारिजड़ी ला कर तेरी के यार बड़ा साले की सूदी रिपोर्ट दूंगा रोतक में अरे बेटे लाऊंगा एक टोप काला मानस का भी मेरा साले का नुजाम दिखे ना भाई सो भाई, हो तो साहब मेरे साले के ना भी लिया कर एक आदमे छे 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 नहीं भे लिया और भी कोई काम करके राजी नहीं खाली बैठा के खवा दो सबने बता कि अली बैठ के खाने यो अच्छा सरपंच बनिया मन डंग ला गए पागल होगा <laughs> आप, आप बैंड था अंडे से बनिया था सरपंच और सरकार ने तो लेवर का ठेकेदार बना दिया लाऊंगा तेरा भी अरे साले ओहो सरपंच साहब हाँ राम राम भाई राम राम भाई राम राम ये बात कड़े चाले आज तड़के तड़के अरे मैं के चाल्या तू तेरे साले बढ़िया काम कर रहा है भाई कौन सा रे अरे बांध रहा <laughs> अरे सरपंच साहब दूध पीवागे तो गावड़ी भी बांधनी पड़ेगी अरे देखे मैं गावड़ी का दूध बाढ़क पढ़ते आज देख सत्तर साल का हो लिया शरीर में कोई भी रोग नहीं से और का न्यूस है अरे ई भी लोग बाघ थैलिया का दूध पिपी के किसे के कैंसर होने लाग रहा है किसे के बीपी मेडिकल भरे पड़े से अरे वह बीगाऊड़ी का दूध पी ले तो सारी बीमारियां तो छुटकारा मिल जा अरे रेशाले जया तेरे आली सोच इस सारे गांव की हो जा, ता एक भी गौ माता गाड़ा में का हंडी ना दिखे इनकी भी जिंदगी सुधर जा रेश मन ने गांव की तरफ तो अप्लीकेशन ला दी से सरकार में कौन सी सरपंच साहब है अरे रेसा या सरकार गौशाला में भी तो चारे के पैसे दे सब ये थोड़े बहुत पैसे इन किसान भाइया ने भी दे दे गौ माता एक भी हांडती नहीं पावे किसान ने ना बांध ले ठीक कहो सो सरपंच साहब जब सरकारी बात ना मान ले तो ही कदर हो जा। और ही दू दूज्या मेरी तरिया आज भी तंदुरुस्त रहे देखे सरपंच साहब आज भी को डमसर का पहलवान फेंट जाना उनकी गोदी पकड़ के धरती में चलो दू <laughs> बाकी एक बात बताओ आप भी के मैं बडा बड़ा, बड़ा त्याव थे के भड़क ले रे सो अरे रे साले अरे भाई मैं सरपंच बनया था पर सरकार ने ते मजदूर का लेवर का मैं ठेकेदार बना के छोड़ दिया क्यों के बात होगी अरे भाई मनरे का की स्कीम से न्यू कैसे काम साफ करवाओ बाहर मिले हजार रुपये और ये दे पांच सौ रुपये सरपंच महंगाई कितनी हो रही से पांच सौ रुपया में कोई मानस ना जा अरे साले उड़े कु फी फोड़नी से एक बज चलिया गया अरे जाते है मैं हाजरी ला दू अपने घर आके काम से मारो बस रे हाजरी लानी से और पाँच सौ रुपये अरे और उड़े के फाड़े बजाने से तब मैं भी ओर का सरपंच साहब अरे तो फिर बाट के देखे वो मेरी आजा अरे सरपंच साहब हाँ जयस मनरे गांव में दो पैसे बच जा हाँ ते गाड़ा का तो सुधार करवा दिए अरे गाड़ा का ग्रांट दिया नहीं मनरेगा मर जा दिया मैं आ जा आ तो सरकार की मरेगा तो ये नुए पड़ी बनवावाएंगे आ जा तू ठाले इन ने मनरेगा तो पंडा छूटे जब बताऊ अरे यहाँ तो बनवाए दे हाँ हाँ बनवा दूंगा देख ले भाई तेरी मर्जी से ताऊ रसा ले हाँ कड़े चाल पड़े आठा ठाके नहर ते अरे से सरपंच बनाओगे तो नहर की तो बात देखियो अरे बनवारी कौन सा नहर में डूब के मरना है मैं तो आज सरपंच की गैलियां जाऊंसू उड़े एक हाजरी सी लाके थोड़ी सी आने बैठ के फिर पांच सा नोट लेकर अपने घर में संभाल पंच रुपये सरपंच ने उड़े सा नोटा की मशीन ला रखी से अब कोई भी जावर पान का पकड़ा दिया चाल भाई अपने अरे ओ ठूठ मनरेगा की सकी मारी से तेरा जी कर तू भी चल हम इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने न्यू कर रखी सके अक मैं में मनरेगा में दाढ़ी पीटता ता यो गांव मैंने शिक्षा मंत्री कैसे अरे ओ यो खाना भी कैसे <laughs> न्यू कैसे यो अंग्रेजी हांड गांव में छोड़ दिया ना दूध का ना मूत का हांडेजा पूरे दिन कानून पढ़ाता इशाह मेरे मुँह बकवा देने अरे मैं तेरे मुंह पे कहूसू फिर तू सरपंच से अच्छा एक बात बता सरपंच कितनी कान लागेगी हाँ हाँ अरे मेरे भाई गए थोड़ी देर बैठे हाजिरी लाई उल्टे घर ने अरे टाइम लगेगा और ना लागे हाँ अच्छा तो फिर मैं भी चल सोचे सोचा है चल ठीक से तो भाई रसाले एक बार कस्सी दे रहा हूँ और रुक रुक भाई कस्सी का काम से कस्सी का के काम से अरे दिखाणी देखा आज चल चढ़ दिखा देंगे दिखाण में के अरे ओ गैर ओ <laughs> अरे इन पांच सौ रुपया में मेरा कोई हक नहीं <laughs> अरे मैं भी तो काम का बासिंदा हूँ मेरी भी हजरी लगवा दे मैं हाथ ना बैठे बैठे दे, दे दू गैल चाल पड़ेगा आजा ठीक से अरे बेटे तन तुम्हें भूलिया गया बेटे दस रुपये पूरी कर दे मालस तो बेटे तेरी गई सो अरे तेरी दे मसाज मांगती हो तो मैं वहां चालो भाई आवे थोपड़े ने ठाए कसी ठा लिया कोने मारे ते पंच से भी कोई आ रहे अरे सरपंच साहब की न कह है। मजदूर भी जाथर देख के ले जाया जाकर खड़ा कस्सी चला दिक्कत है क्यों मारा भी टाइम खराब करा है देखे मन भी डांगर खोलने से जा रहा अपनी दुकान संभाड़े अरे अरे सरपंच तो तुम मने एक पौआ पिया दी एन जितना तो फिर माता पाड़ दूंगा कस्सी के करेगी आ है चालो इन्हें तो पौआ प्या दे काम उड़े तेरा बाबू करेगा सरपंच हा दम्बल हो अरे सरपंच यो तो ठीक गया अरे ने भी लेने ले पानी तो पिया होगा उड़ा गांव में ये मैं पानी लग रहा हूँ हाँ ठीक का है कोले हाँ दम्बल तो ने पानी पियाणी ला लिया के देख सरपंच एक आंडी में दो पेट नहीं हो आ करते जय दम्बल ना पाँच सौ रुपये मिलना है तईने ले चलना ना ही ना अपना काम करने दे क्या पांच सौ रुपये अरे मुंह दिखाई मैं पांच सौ रुपये मेरा भी गलवा देते क्या बड़ा मुह रहा बेठे दमल तन्ने ते मैं पांच सौ के हजार दूंगा अच्छा हाँ तू एक काम करे गांव में जा हाँ? रेल फेरा और लेके कशीरज भाई पा जा सरपंच क्या की रेल देनी होगी भाई मनरेगा की सखी मारी है। अच्छा और जो भी काम का आदमी रज भाई पे जाएगा, मर्द के पांच सौ बीर के सात सौ रुपये मिल लेंगे ओ मर्द के पांच सौ बीर के सात सौ हाँ हाँ सरपंच साहब मैं अपने बीरबानी ने भी ले आऊंगे अरे चाहे तू सारी बस्ती ने ले आ अच्छा यह बात है हाँ ए भला होता रहा है चौधरी साहब अच्छा बात जाए जा चाहे उधर उधर आजा तम्बल उड़ा ए सुनो 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 का ये पिलान है और सरपंच का ये ऐलान है जो मनरेगा पे जावेगा वो सात और पांच सौ रूपए लेके आवेगा तब आई लुकाई न मिलेंगे पूरे सात और मरद न मिलेंगे पूरे पांच तो वही जिसका जी करता हो वो आ जाइयो कद फिर नुका जैसे सरपंच लैटरिन खागा था वैसे मनरेगा का खागा काका मैं भी चालू ये चालन है तू कहे मोड़ा के तो लगाओगी ठीक सर मैं तो श्राद्ध रहा हूँ आज के तसड़े तो का तो काम है उड़े माटी झोली में गलवाओगी ठीक है तो इबे चालू ना बड़ के तो मुहूर्त कटाए जब चलिया ए चल फोलो मी बोले हाँ सरपंच तक मैं कोटा कोटा हाँ बोलिया के दाब सी बन हाँ दाब सी अरे दाब ना ला री और है गोड्डा ने बिठा दिया हाँ न्यू करो भाई हाँ आज ही ते सब की कट्टी लग गएगी इतने वो दमल भी आ जाएगा हाँ तुम बैठ जाओ थोड़े सुस्ता लो बीड़ी बैड़ी पी लो बैठ जाओ � मैं बीड़ी पिया करूं मेरे यारे अरे हाँ ध्यान माय तू के बीड़ी पीओ है भाई नो करते है एक सौ का नोटिस शिक्षा मंत्री ने दे दे भोजन की दुकान पर तो बीड़ी लिया अम्बे बनवारी लिया होगा बनवारी दस साल का बालक से किसे का चट्टी आवे तो बनवारी पड़ेगा लव मैरिज हो तो बनवारी करवाओ थारी खातर बीड़ी भी बनवारी लिया तड़के तुम नुह कह दोगे अरे बनवारी मारे जंगल के हाथ भी तू दो दे को बात मेरे अरब को वाश करे अरे ओ करा हो रहा है से? बुढ़े सेवा पानी भी करा करे दे दे सरपंच सौ रुपये लिया होगा बंडलियो अरे कंपा लिया होगा हम बे जूस ले ले दो तेरी अरे मैं पैसे ना एक बात बता तने मेरे कही थी अब थोड़ी सी वार लग अरे टाइम हो लिया गणा अरुण आने मेरे डांगर भी खोल के ले जाने थे हाँ तू एक काम करिए उड़ा हाजरी तू है लालू लिए अरनि कर तुमने पाँच सौ रुपए दे दे मेरे अरन्यू रहे देख पहले सारे उड़े जाएंगे वो दमल आ जाओ लेके हो जाओगे सारे की कट्ठी हाजरी लागेगी फिर उड़े तेरा पे मिल लेंगे मैं तुमने दे दूंगा अरे मेरे डांगर भूखे मर जाएंगे तेरे पाँच सौ के चक्कर में

तो कर भाई मेरे पाँच सौ रुपये दे देखिए दुकान में घाक बाट देखने लाग रही तेरे पांच सौ रुपया के ऊपर मेरे हजार रुपये की दुकानदारी मेत ना छोटी जा भाई अरे ओ कोले हाँ तू इसीला रोड पे दुकान ना कर रहा जा मतलब तू तो पैसे ना दे अरे दूंगा पूरे सरकार देगी फिर मैं भी दूंगा भाई <laughs> पे लेडीज के सात सौ चाले चोरी दोनों कमा के लवागे क्या की गवाई देता अंडा है मैं तनु कह रहा था वह मनरेगा का पिलान है और सरपंच का यह ऐलान है कि जो भी मनरेगा में लेडीज जेंट्स जाओगा वही औरत ने मिलेगी पूरे सात सौ और मर्द ने मिलेगा पूरे पांच सो इफ तुनू कर भोजन ये बैग न धरकर तला पूरे सात सौ रूपए दिलाऊंगा अच्छा एक है एक बल क्या के गलत कह दिया मनरेगा में सुनेगी मैनू कह रहा है यह सामान अपनी दुकान वहां लगा दिया मनरेगा पर ये गांव राम तो चला जाएगा वहाँ पर यहाँ के तू भूतान प्रसाद देवेगी है और वहां पर पूरा मेला सा भर रहा है मनरेगा पे पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है और तेरा ये सारा सामान वहीं पे बिक जाओगा और ते तो वैसे भी डाकण है डबल, के, के का है और डबल मार कर मत गांव वाले का लिख दिए के मैं सरपंच तो का लिख दिए दाढ़ी पक्की और ऊपर से मिल जाओगा सात सौ रुपये बात तो तू ठीक कैसे डम्बल चाल फिर तो कर वो तो चल चला के का है ओ मानू के जोड़ा ठाले और चल मेरे गला पकड़े लो आ जाओ फॉलो मी आ जाओ ओ सुनो 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 ओ गाम राम सुनो भाई माने ने बेरा देख भाई सरपंच माने बहुत बेट कर लिया हम भाई को ले हाँ। जब धमल जाएगा ना वे धन्य पा से फिर सारे की इकट्ठी हाजरी लागे और दे दूंगा हाँ। ठीक से तो भाई